अगर मालवा के नलखेड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ बगलामुखी के दरबार में चीन के सुपरस्टार जैक हुंग पहुंचे और अपने आने वाली फिल्म की सफलता के लिए विधिवत पूजा अर्चना की, जैंग हुंग के साथ उनके रिश्तेदार और मित्र भी मौजूद रहे। हरदोई में आज सभी समाजवादियों ने मिलजुल कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि ऐसे महापुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर महासचिव संतराम दादव के साथ प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। दिखाए जा रहे वीडियो के घटना जोधपुर के झालामंड क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहू अपनी सास को बेरहमी से पीट रही है। पश्चिम बंगाल में हो रही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को रोकने में विफल रही ममता बनर्जी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संबंध में विश्व हिंदू परिषद महानगर बरेली ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पवन कुमार अरोड़ा, विभाग अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। मुर्शिदाबाद में जो हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जो पूरा परिवार को नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में हम जो है ये ज्ञापन देने आए हैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से। ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय और घृणित अपराध है और जो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है जो निरंतर जो है तुष्टिकरण की नीति अपनाए हुए है और विशेष वर्ग को, एक मुस्लिम समाज के वर्ग को खुश करने में और विशेष रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश के माध्यम से बर्मा से बांग्लादेश, बांग्लादेश से हमारे यहाँ जो आ रहे हैं उनको अपने यहाँ रोककर, उनके वोट बनाकर अपनी जो भविष्य की सरकार चलाने की दृष्टि से उनको संरक्षण देकर। और देवरिया पुलिस ने लूट व चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके पास से चोरी की दर्जनों मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सभी आरोपी बिहार प्रांत के जनपद गोपालगंज में रहने वाले हैं। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल महोदया ने मक्खनपुर स्थित सनग्लास फैक्ट्री एवं फिरोजाबाद ग्लास सेल इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां कलात्मक उत्पादों ने राज्यपाल जी को खासा आकर्षित किया।